महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट होने के बाद लगातार ये बातें कही जा रही है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्या जेडीयू की पार्टी में भी टूट होने वाली है, क्या नीतीश कुमार भी डर गए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले अपने तमाम विधायकों से मुलाकात की, तमाम विधान परिषदों से मुलाकात की और अब एक एक करके उन्होंने अपने सांसदों से भी मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि बीजेपी जेडीयू को भी तोड़ सकती है? नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सरकार के बनने के बाद यानी कि महागठबंधन फॉर्म होने के बाद लगातार इस तरीके की खबरें आईं और अगर आप टूटने की हालात देखें तो सबसे ज़्यादा जेडीयू के साथ ही हुआ। सबसे पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जब पार्टी से अलग हुए उस वक्त भी ये कहा गया कि इस पार्टी में टूट हो सकती है। उसके बाद फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलाई गई, सीएम आवास पर मीटिंग हुई, तमाम विधायकों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक हुई और ये कहा गया कि पार्टी एकजुट है, पार्टी नहीं टूटेगी। उसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी से अलग होते हैं, उनकी नाराजगी भी सामने आती है। वो भी जब अलग होते हैं उस वक्त भी ये दावा किया जाता है कि कुछ विधायक जो है जेडीयू का साथ छोड़ देंगे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से विपक्षी दलों के साथ पटना में बैठक हुई 23 जून के बाद से ये सुगबुगाहट तेज। दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में अगर होने वाले लोकसभा चुनाव को देखें तो 40 सीटें हैं। इन सीटों पर दिक्कत ये है कि जो सांसद बने हैं फिलहाल जेडीयू की तरफ से, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवारों को चुनाव में हराया है। उस वक्त महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से थे और उन्होंने उसे चुनाव में हराया। ऐसे में अब उनके सामने बड़ी मुश्किल ये है कि जो कैंडिडेट होंगे वो अब पार्टियां मिल गई है तो कुछ सीटों पर आरजेडी भी अपना दावा ठोक सकती है, कुछ सीटों पर जेडीयू का भी अपना दावा हो। ऐसे में उन सांसदों को लगने लगा है कि अगर उनका पत्ता कटता है तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो बीजेपी की तरफ या दूसरी पार्टियों की तरफ जा सके। इसीलिए इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई है और यही डर शायद नीतीश कुमार को भी सताने लगा है। इसे आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि भागलपुर की एक सीट है, भागलपुर लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बूलो मंडल चुनाव जीते हैं, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार शाहनवाज को चुनाव हराया। लेकिन 2019 की सीट पे वह सीट जेडीयू के खाते में गई, जेडीयू के अजय मंडल वहां से चुनाव जीत जाते हैं। अब वह सीट जो है जेडीयू के पास है, लेकिन मुश्किल ये है कि आरजेडी भी उस सीट पर चाहेगी कि यह सीट उसे वापस मिले। ऐसे में दिक्कत यहां फंस रही है कि आखिर यह सीट समीकरण के हिसाब से किसके पास जाती है। अगर जेडीयू के पास चली जाती है तो अजय मंडल के लिए ठीक है, लेकिन वहां फिर दिक्कत आरजेडी के कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो फिर आरजेडी के कैंडिडेट किधर जाएंगे? आरजेडी के कैंडिडेट जो इतने सालों से उस सीट पर मेहनत कर रहे थे उनके लिए मुश्किल फंसेगा। इसी तरीके से और सीटों के लिए भी ये गुनागुनित है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में थोड़ी सी मुश्किल है और जेडीयू के सांसद लगातार बीजेपी के अलग अलग नेताओं से संपर्क में है, जिसका हवाला दिया जा रहा है। बार बार सम्राट चौधरी, चिराग पासवान ये कहते हैं कि इसमें टूट हो जाएगी। चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि कई नेता जो हैं उनसे संपर्क में। हालांकि सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि ये अगर कोई टूट भी होती है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ ये नेता जुड़ेंगे और उसके बाद फिर बीजेपी से जुड़ेंगे या दूसरे सहयोगी दलों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में भी बनती हुई जरूर दिख रही है, तभी नीतीश कुमार लगातार इन नेताओं से, इन सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं, उन क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें समय दे रहे हैं। क्योंकि ये बार बार ये भी कहा जा रहा था कि क्या इन सांसदों की समस्याओं को सुना गया है या नहीं, क्या इन सांसदों से बातचीत हो भी रही है या नहीं, क्योंकि इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह समेत जो भी नेता जेडीयू से अलग हुए वो दावा कर रहे थे कि जेडीयू के अंदर काफ़ी असहज की स्थिति है, कई नेता उनसे संपर्क में। अब यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है कि अगर टूट होती है तो उसे कैसे रोका जाए और कैसे जो विपक्षी एकता की मुहिम चलाई है नीतीश कुमार ने उसके वो सूत्रधार बने रहे, क्योंकि अगर उन्हीं की पार्टी में टूट हो जाती है तो उनके लिए आने वाले दिनों में जरूर मुश्किल होगी।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।